बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं पोटैटो कबाब या फिर आलू की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। तो फिर देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है, 1 टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून चावलों का आटा लिया है। इसके अलावा मैंने हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना लिया है, 300 ग्राम आलू लिए हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, चावलों का आटा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर और हरी मिर्ची और हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूंगी, 1 टीस्पून, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसकी मैं टिकिया बना लूंगी। तो देखिए मैंने एक टिक्की तैयार कर ली है, इसी तरह से सारे हम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, मैंने इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स जो है उसको स्प्रिंकल किया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं टिकियाँ रखूँगी। तो जैसे ही इसकी एक साइड ब्राउन होगी मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, हमारे पोटैटो कबाब या फिर आलू की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। आपने देखा मैंने इसको कितनी आसानी के साथ बना लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।